तो एक और साउथ की मूवी थिएटर्स में तहलका मचाने के लिए आ रही है, जिसका नाम है पुष्पाराज। आज की इस वीडियो में इस मूवी के टीजर के बारे में बात करूंगा। इस मूवी के टीजर को रिलीज किया गया है अल्लू अर्जुन सर के बर्थडे वाले दिन ही, उनको एक तरीके से शुभकामनाएं देने के लिए, उनको गिफ्ट देने के लिए। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार सर ने। अल्लू अर्जुन इनके साथ ऑलरेडी काम कर चुके थे, आर्या मूवी जो 2004 में आई थी और आर्या 2 2009 में आई थी। ये दोनों मूवी कमाल का परफॉर्मेंस दिया था इन दोनों मूवीज ने। और एक बार फिर से सुकुमार सर के साथ मिलकर अल्लू अर्जुन 31 अगस्त को ये मूवी हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। आप इनसे मिल सकते हैं थिएटर्स में। अल्लू अर्जुन सर की अगर आप कोई भी मूवी आप देखो, लगभग हर मूवी ने ब्लॉकबस्टर काम किया, जबरदस्त हिट गई है। हाल फिलहाल जो उनकी लास्ट जो मूवी आई थी अला वेंकटपुरम अल्लो, जिनको मैंने देखा था उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखा था। हाँ मुझे पता है कि मुझे नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश सबटाइटल थे भाई, उससे मैंने इस मूवी को देखा था और काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और मुझे काफी अच्छा भी लगा था, क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज सुनना एज कंपेयर टू हिंदी डब से मुझे काफी अच्छा लगता है कि यार उसको ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखूं, कि एक फील आती है उसके अंदर, हम साथ कनेक्ट हो पाते हैं। अल्लू अर्जुन सर अपने एक्शन के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन अगर आप ये वाली मूवी देखोगे तो इसके अंदर वो इमोशनली इतना जबरदस्त उन्होंने काम किया, काफी ज्यादा अच्छा लगा। और अब अगर पुष्पा मूवी के टीजर के बारे में बात करूं, जैसे ही ये टीजर स्टार्ट होता है तो एक जबरदस्त धमाकेदार साउंड के साथ, बैकग्राउंड साउंड के साथ स्टार्ट होता है और एक डिफरेंट लुक में अल्लू अर्जुन सर हमारे सामने आते हैं। यार सच में जैसे वो सामने आते हैं दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं और फिर एक के बाद एक एक्शन आने स्टार्ट होते हैं और क्या कमाल का उन्होंने एक्शन दिया है भाई साहब। मतलब यार वो एक टीजर से ही मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे यार, क्या जबरदस्त गूज़बम्प आ गए थे टीजर देखकर ही। मतलब सोचकर देखो जब ये थिएटर्स में आएगी और उसको वहां पर एक्सपीरियंस करेंगे तो कितनी अलग लेवल की बात होगी। और फिर उसके बाद जो अल्लू अर्जुन सर अपनी बियर्ड पे ऐसे हाथ फेरते हैं ना यार, भाई साहब क्या जबरदस्त लगा यार वो, एवरीथिंग इज ऑसम। अगर आप साउथ मूवीज की अगर बात करें, देखो हाल फिलहाल में जैसी जो मूवीज आई थी, मास्टर जो मूवी आई थी यार क्या कमाल किया था मास्टर मूवी ने, या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, इवन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो दृश्यम 2 मूवी आई थी, क्या जबरदस्त वो मूवी यार, क्या मतलब कितना बढ़िया लिखा है यार उस मूवी को। और जितने जैसे जैसे मूवीज आ रही हैं आने वाले टाइम में, जैसे KGF 2 आने वाली है और अभी जैसे पुष्पाराज ये मूवी आने वाली है, तो सोच कर देखो यार ये मूवीज जैसे आ रही हैं, जैसे जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे मूवीज आ रही हैं साउथ की साइड से, मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूं, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि यार बॉलीवुड वालों के मतलब दिन लगने वाले हैं इस हिसाब से, कि जिस हिसाब से इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट ये हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। बेशक बहुत सारे लोग साउथ मूवीज में जो एक्शन होते हैं उसमें वो फिजिक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखो यार वो एक एंटरटेनमेंट के तौर पे बनाई जाती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही देखा करो। ये जो मूवीज हैं साउथ की मूवीज इतनी अच्छी होती हैं एज कंपेयर टू उनको कल्चर से आप कंपेयर करके तो वो बहुत अच्छे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं फैमिलीज के लिए, वो मतलब हम फैमिलीज के साथ उन मूवीज को देख सकते हैं। अब बात कर लो बॉलीवुड की, इतना कचरा इतनी गालियां उस मूवीज में वो डाल के रखते हैं। और जैसे अभी न्यूज आ रही थी कि वो मास्टर मूवी का भी रीमेक करने वाले हैं और बहुत सारी मूवीज ऑलरेडी चल रही हैं रीमेक के तौर पर जो बॉलीवुड लेके आने वाला है, मुझे तो लगता है यार इनको बॉलीवुड नाम बदलकर कॉपीकैट रख लेना चाहिए, खुद का तो कुछ कंटेंट है नहीं, बकायदा ये रीमेक ला ला के और इवन इतने बकवास इन्होंने रीमेक बनाए हैं। अब सच में वो तो खुद की मूवी का रीमेक बनाते हैं, जैसे वो स्त्री मूवी का रीमेक था, मुझे तो नाम भी याद नहीं, जैसे भी जो शायद रूही, हाँ रूही मूवी जो थी, इतनी वो मतलब डंप मूवी वो बना के रखी है हमारे सामने। और पर्सनली मुझे लगता है कि यार जो साउथ की मूवीज हैं अगर वो हिंदी में डब नहीं भी करवाते हैं तो एटलीस्ट उनको हिंदी सबटाइटल प्रोवाइड करवा देने चाहिए। जो काफी ज्यादा जो जनसंख्या है जिनको इंग्लिश सबटाइटल से प्रॉब्लम होती है तो हिंदी सबटाइटल से उस चीज को समझ सकते हैं और काफी ज्यादा अच्छा भी रहेगा, वो उस लैंग्वेज को भी प्रमोट कर पाएंगे और लोग इस चीज को समझ पाएंगे, रिलेट भी हो पाएंगे, बहुत सारी चीज अच्छी हो जाती है। अगर वो एक हिंदी सबटाइटल अगर मिल जाता है तो बहुत सारी ऑडियंस तक उसकी पहुंच बन जाती है। पर इससे कम से कम जो ये बॉलीवुड रीमेक का जो गेम खेल रहा है ये बेवकूफ बनाना थोड़ा बहुत इनका कम हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ये टीजर देखा है तो आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करना, और जिन्होंने नहीं देखा है तो यार तुम बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, जाकर देखो। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।